रोहन, रोहन जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आई, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। काहे ने सगे बहाने। आहो, सब्जी खत्म हो गई, मैं मार्केट जाके आती हूँ। आज के समय में हमारी जिंदगी का दूसरा नाम ही झूठ बनता जा रहा है, मगर किसी ने यह भी सच कहा है कि झूठ के पंख नहीं होते, वो जमीन पर घिसट घिसट कर चलता है। इसीलिए झूठ बोलने वाले का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है, और जब हमारा बर्ताव, हमारे चलने का तरीका बदल जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम गलत दिशा में चल पड़े। हमारे आज के केस में भी हम कुछ ऐसा ही देखेंगे कि कैसे आपसी रिश्तों में बोले गए झूठ का अंजाम आखिर क्या होता है। वो आई, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। मेरा बच्चा कहीं खो गया, आप प्लीज उसे ढूंढ लीजिए। बच्चे को स्कूल आपने ड्रॉप किया था? नहीं, मेरे हस्बैंड ने ड्रॉप किया था। मैंने उनको भी इन्फॉर्म कर दिया, वो भी आते होंगे। आपने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से पूछा? हो सकता बच्चा उनके घर गया हो। पूछा मैंने, लेकिन रोहन वहाँ नहीं है, और वैसे रोहन हमें बिना बताए कहीं जाता ही नहीं है। सर, स्कूल में सीसीटीवी तो होगा ना गेट पे? सर, गेट के पास है, फेसिंग अंदर की तरफ है, बाहर नहीं। गेट पर वॉचमैन है? हाँ सर, एक छोटू वॉचमैन है, वेरी ट्रस्टवर्दी, काफी सालों से है सर। आप हमें मत बताइए किस पे ट्रस्ट करना है, आपके स्कूल से एक बच्चा गायब हुआ है। सॉरी सर। मनोज सर, सबके स्टेटमेंट ले लो। ओके सर, चलो। मुझे आपसे कुछ और सवाल पूछने हैं, आप जरा आइए। सर, वैसे तो मैं किसी बच्चे को गेट पे खड़े रहने देता नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने रोहन को नहीं देखा। रोहन इसी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ। आखिरी बार कब देखा था आपने रोहन को? 2:30 बजे। अच्छा, तो ये वॉचमैन के साथ बात हुई है, उसने कहा उसने नहीं देखा रोहन? नहीं, वो था इसी स्कूल में। ठीक ठीक है सर। इसका नाम भरत है, इसने ही सुबह रोहन को देखा था। सर, मैंने उसे स्कूल के गेट के अंदर देखा था, मैंने उसे आवाज भी दी लेकिन वो भाग गया। सर, इधर काफी दिनों से वो बहुत चुप चुप रहने लगा था, पता नहीं क्या हो गया था उसे। आपके स्कूल में कोई स्टाफ या कोई टीचर कोई ऐसी हरकत तो नहीं करता था जिससे रोहन को स्कूल आने से डर लगे? नहीं नहीं सर, आज तक हमारे स्कूल में ऐसी कंप्लेंट नहीं आई। दिव्या, जय जय जय, क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं। मिल जाएगा सर, तेरे बच्चे को कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। बच्चे को सुबह आपने स्कूल में ड्रॉप किया था? हाँ सर, सुबह स्कूल के गेट पे छोड़ा था मैंने उसे। तो आपने उससे पूछा नहीं कि क्या बात है? इसने उसको डांटा था तो मुझे लगा नाराज होगा, इसलिए नहीं पूछा मैंने। अच्छा, हमें बच्चे की फोटो चाहिए। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ हेलो, अरे वो तेरे मामा है ना, क्या नाम उनका, राज पाटिल। हाँ, वो SAP है ना। अच्छा सुनना, मेरे को यार वो तेरी एक हेल्प चाहिए थी। अरे मेरा बच्चा यार खो गया, पुलिस वाले बात को सीरियस नहीं ले रहे, थोड़ा सोर्स सिफारिश लग जाती यार तो मेरा काम हो जाता। पिछले 4 घंटे से हम लोग कोशिश कर रहे हैं यार। देखना यार, देखना आप। हेलो, पुलिस पूछताछ कर रही थी, कहीं
कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें हमारे बारे में पता चल जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ साहब, इस बच्चे को मैंने देखा है। वो सुनीता जी के फ्लैट में गया है 1201 में। रोहन का सर, मैं खरा सांगते, मैं घर पे नहीं थी जब ये आया। मैं तो अभी अभी घर पे आई हूँ सर। मुझे लगा ये स्कूल खत्म होने के बाद आया होगा। मुझे नहीं पता ये घर वालों को बिना बताए आया है। आप रोहन के पेरेंट्स को जानती हैं? हाँ सर, ट्यूशन में मिले। रोहन के परिवार को बता दो कि रोहन मिल गया और पुलिस स्टेशन आने के लिए बोल। ओके सर। चलो बेटा, चॉकलेट्स पसंद है तुम्हें? हाँ। वो जो समोसा लेने गए ना अंकल, उनसे मंगवाता हूँ। मंगवाऊँ? तो फिर बताओ। ऐसे ही, आज स्कूल जाने का मन नहीं था तो बंटी का घर स्कूल के पास ही है तो वहाँ चला गया। स्कूल जाने का मन क्यों नहीं था बेटा? मला सांग, शाळेत तुला कोणी त्रास देतं का? डरू मत बेटा, अगर तुम्हें कोई स्कूल में परेशान करता है तो मुझे बताओ। बेटा आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। सर एक मिनट। बगा सर। सर बच्चे के पेरेंट्स का फोन स्विच ऑफ है। तुमने उन्हें इन्फॉर्म तो कर दिया था ना कि बच्चा मिल गया? इन्फॉर्म तो कर दिया था, उन्होंने कहा तुरंत पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद से फोन स्विच ऑफ है। तब तो आ जाना चाहिए, बड़े लापरवाह माँ बाप। चलो हम इसे छोड़ देते हैं। सर लगता कोई है नहीं घर पर। बेटा रोहन, तुझे आजी आजूबा तो नंबर है? मैंने टाइम नहीं देखा था साहब, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ 5:30 बजे के आसपास वो यहाँ से निकले थे। बहुत जल्दी में थे साहब। मैंने जाते जाते पूछा तो बोले कि रोहन मिल गया है। ठीक है। बेटा किसके साथ गए थे? अपने फ्रेंड के घर तुम कैसे पहुंचे? बोलो। रोहन, रोहन आजूबा। अरे आजी। रोहन, मुझे लगा इसका किसी ने किडनैप कर दिया। कार ट्रक नहीं, इससे टक्कर होकर इसके हाथ पे तो ठीक है ना? तू ठीक है ना? लेकिन मैं तो बंटी का घर गेम्स खेल रहा था। हाँ हाँ, हाथ पैर सब ठीक है, लेकिन तूने तो हमें डरा दिया था ना बेटा। एक मिनट जरा आइए बात करने। आपको कोई खबर नहीं कि इसके माँ बाप का है? नहीं साहब, उसका फोन स्विच ऑफ था, मैंने ट्राई किया था। हमने उन्हें इन्फॉर्म किया था कि रोहन मिल गया है, और पड़ोसियों के मुताबिक हमारा फोन कॉल जाने के बाद ही वो लोग घर से निकले। कहाँ गए होंगे? मेरा काहजी वट्टे साहब, जय ने मुझे फोन किया था ये बताने के लिए कि रोहन मिल गया है। हेलो बाबा, रोहन मिल गया। शुक्र है भगवान का। आप कहाँ हो? मैं सोसाइटी के मंदिर में है बेटा। आप वहीं रुको, मैं आपको पिक करता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना बेटा। हम वेट करते रहे लेकिन वो लोग नहीं आए। उनका फोन भी बंद था, सोचा शायद टेंशन में भूल गए होंगे। इतने में पुलिस स्टेशन से फोन आ गया, इसलिए हम यहाँ आ गए। ठीक है, आप लोग जाइए, कुछ भी पता चलेगा तो आपको खबर करेंगे। उनका पता लगाइए साहब, पता लगाइए। देखिए पूरी कोशिश करेंगे। साहब आजकल बहुत एक्सीडेंट होते हैं, मैंने उसे कितनी बार कहा कार धीरे चलाओ नहीं तो मत चलाओ, मगर मेरी सुनता ही कौन है। हे भगवान, मेरे बेटे को और बहू को सुखरूप रखना बस। चलो आप पुलिस को उनका काम करने दो। चलो। हाँ चलो। चल मनोज। सर रोहन के माँ बाप जयदेव और दिव्या की कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस की हिस्ट्री निकालो। ओके सर। सर जयदेव और दिव्या पवार के मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड मिल गए हैं। दोनों के मोबाइल लोकेशन सेम थी। मोबाइल फोन स्विच ऑफ करने से पहले जब उन्होंने हमारा कॉल रिसीव किया था तब वो यहीं थे, मतलब अपने घर पे ही थे शायद। उसके बाद जयदेव के फोन से तुरंत एक कॉल अपने पेरेंट्स को जाता है, मतलब बच्चे के दादा दादी को। फिर वो नंबर ट्रेवल करता रहता है और फाइनली उसकी लोकेशन दादा दादी के बिल्डिंग के पास वाले मंदिर की दिखाती है। वहां पहुंच के फोन स्विच ऑफ हो जाता है और तब से लेकर अब तक फोन स्विच ऑफ है।
लेकिन दादा दादी ने तो हमसे बोला कि जयदेव और दिव्या वहाँ पहुँचे ही नहीं। सर तब तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो ये लोग घर के आसपास तक गए थे लेकिन अंदर नहीं घुसे, या फिर दोनों झूठ बोल रहे हैं। मनोज अगर दादा दादी झूठ बोल रहे हैं तो क्यों? तू स्कूल से क्यों भाग गया? सारे परेशान हो गए ना? तेरे आई बाबा आएंगे ना तो तुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। हाँ मुझे नहीं जाना उनके पास, अब मैं यही रहने वाला हूँ। अरे पर तू स्कूल से गया क्यों? मुझे लगा स्कूल खत्म होते ही मैं घर चला जाऊंगा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। शुक्रिया। जयदेव और दिव्या के मोबाइल लोकेशन से हमें पता चला है कि वो लोग घर से निकलकर यहाँ आए थे, लेकिन आपने हमें बताया कि आपको लेने वो यहाँ नहीं आए। नहीं साहब, मैंने सच बताया था, इसीलिए तो भागते भागते हम लोग पुलिस स्टेशन आए। तो फिर किधर गए होंगे? उनका कोई दोस्त रिश्तेदार या जान पहचान वाला रहता है आसपास कहीं? उसका छोटा भाई सुमित और उसकी बीबी काजल हैं, लेकिन वो दोनों यहाँ नहीं रहते, मलाड में रहते हैं, और दूसरा उसके पहचान वाला यहाँ कोई है नहीं। अच्छा उनकी कोई फोटो तो होगी आपके पास? जी हाँ है। दीजिए जरा। अरे उनकी गाड़ी का नंबर भी दीजिएगा। ठीक जरा जयता फोटो क्यों लेना। पवार साहब कल इधर आए थे? जी साहब, दरअसल उनका पोता गायब हो गया था, इसलिए वो लोग यहाँ पूजा करने आए, और हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई उनका पोता मिल भी गया, और उनके बेटे का फोन आया था वो उन्हें लेने भी आने वाला था, लेकिन काफी देर तक इंतजार किए वो लोग, वो आया नहीं, फिर वो लोग चले गए। सर मैंने वॉचमैन से भी पूछताछ की लेकिन उससे भी कुछ खास जानकारी नहीं मिली। मनोज इनकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, और आसपास के सारे हॉस्पिटल्स में पता करो कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ। जयदेव की गाड़ी का नंबर मिला? यस सर। गाड़ी को इमीडिएटली ट्रेस करो। ओके सर। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी एक गलती ने सब खत्म कर दिया। वॉचमैन, वॉचमैन, हाय वॉचमैन। जी सर। गाड़ी किसने लगाई इधर? पता नहीं साहब ये गाड़ी कौन लगा के गया इधर। गाड़ी कोई भी खड़ा करके जाता है, तुमको कोई ध्यान नहीं है क्या? साहब अब बिल्डिंग के बाहर का कोई क्या कर सकता है साहब? कितना हादसा हो रहा है मालूम है? ये कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तुमको मालूम नहीं है कुछ क्या सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है तुम? सर देखो ये दो दिन से खड़ा है गाड़ी। किसने पार्क की है गाड़ी? पता नहीं साहब मैंने देखा नहीं। कमाल करते हो, तुम्हारी सोसाइटी के गेट के सामने कोई गाड़ी पार्क करके जाता है तुम्हें पता नहीं? सर ये तो जयदेव पवार की गाड़ी है। आयुष्यो कन्फर्म है सर, वही नंबर है। गाड़ी को टू करवा लो। सर जहाँ से जयदेव पवार की गाड़ी मिली है उसे दो बिल्डिंग छोड़ के उसका भाई सुमित रहता है। लेकिन सुधाकर पवार के हिसाब से उनके दोनों बेटों सुमित और जयदेव में बनती नहीं है, तो फिर जयदेव के वहां जाने का रीजन क्या हो सकता है? सुनो तो क्या हुआ है, कुछ बताएंगे? तुम्हारा भाई कहाँ? कौन? जयदेव माला नहीं मैं। क्या हुआ सुमित? ये पुलिस भावनी कई तरीके ले, मैं तो पहले से ही बोलता था कि वो सारे। आखिरी बार कब मिले थे अपने भाई से? यही कोई तकरीबन दो तीन महीने पहले मिला हूँगा उससे। आपके भैया और भाभी दोनों लापता है और उनकी गाड़ी यहाँ से दो बिल्डिंग छोड़ के मिली है। तो साहब हम लोग क्या करें, उसकी गाड़ी है वो कहीं पर भी रखे। मेरे पास अपनी पुरानी टू व्हीलर है जो बिल्डिंग के नीचे ही खड़ी रहे। वो आपके पास नहीं आए? उसे जरूरत ही क्या, और अगर आता भी ना तो धक्के मार के निकाल देता उसे मैं। एक तो जाके बाहर वाली लड़की से शादी उसने की और सजा हम लोग को मिल रही। वो कैसे? पैसे। नया बिजनेस शुरू करने के लिए बाबा मुझे पैसे देने वाले थे, लेकिन जयदेव घर छोड़कर चला गया। बाबा को लगा कल उठकर अगर मैं भी घर छोड़कर चला गया तो उनका क्या होगा, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। और एक दिन जब मैं अपना हिस्सा मांगने लगा प्रॉपर्टी में तो उन्होंने मुझे भी घर से निकाल दिया। चल निकल जाओ फिर। बाबा कुछ नहीं मिलेगा तुझे, बड़ा आया हिस्सा मांगने के लिए। बड़े बेटे ने तो नाक कटवा दी अनाथ लड़की से शादी करके, और तू आया हिस्सा मांगने? कुछ नहीं मिलेगा, चल निकल जा, कुछ नहीं मिलेगा। बाबा हमारा हिस्सा पाइजे। नहीं मिलेगा, निकल जा मेरे घर से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। आओ जाओ देना साहब, मेरे को तो उसके बारे में बात ही नहीं कर।
अगर आपका भाई यहाँ है या उसके बारे में कोई भी खबर मिले, सबसे पहले आप हमें बताइए। मनोज बड़ा ही अजीब भाई, इतनी बड़ी बात हो गई और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, मैंने उसे घर से निकल दिया था, ना जात पात का पता ना माँ बाप का। ऐसे अनंत लड़की को तो इस घर के बहू बनाना चाहता है, शक करता ही है। आओ, आओ, कशाला उड़ता है, ऐसे शाम को चिल्लाने से अपशकुन होता है। आई, एक मिनट थामने दो। बाबा, दिव्या बहुत अच्छी लड़की है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत खुश रहेंगे साथ। अरे प्यार प्यार सब बेकार की बातें हैं। तुझे उस लड़की से प्यार करना है ना, तो इस घर को छोड़ना पड़ेगा। मैं दिव्या को नहीं छोड़ सकता बाबा। घर से भी और विल से भी। मतलब आपने सब कुछ सुमित के नाम कर दिया? उसके नाम पर कैसे करता सर? क्यों, वो तो एक नंबर का निकम्मा लड़का है। उसके बीबी भी वैसे ही, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, किसी भी नौकरी पे टिकता नहीं है, हर जगह से निकाल दिया जाता है। अरे अगो भाई, कैसे गिर गया तू? उठ उठ, रोन कैसे लगा? कितनी बार बोला ही तुझे, देख कर कर खेल लग, मतलब अटलस काहीतरी होणार म्हणून। चल, उस लड़की दिव्या ने बहुत कोशिश की संबंध बनाए रखने की, पर जब रोहन का जन्म हुआ तब इसने भी कहना शुरू कर दिया, अब भूल जाओ बीती बातों को, जो हुआ सो हुआ, सो मैंने भी माफ कर दिया। यानी सुमित की जयदेव से दुश्मनी थी? उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती, वो तो सिर्फ सबसे नाराज होता है। आपको फिक्र नहीं होती अपने बहू बेटे की? फिक्र है ना साहब, मैं जानता हूँ वो वापस आएंगे, अपने बेटे के बिना वो नहीं रह सकते, तब तक हम भी अपने पोते के साथ दिन बिता लेंगे। अजीब बात है मनोज, माँ बाप बेटे बहू को मानते नहीं थे लेकिन पोते को चाहते, और भाई भाभी उनसे चलते थे, और दादाजी का इस तरह से जयदेव को घर और बिल से निकाल देना और वापस अपना लेना, और अब बैठ के बेटे और बहू के वापस आने का इंतजार करना, जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों से सुमित भी ज़्यादा खुश नहीं होगा। तो कुछ तो मिसिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जयदेव और दिव्या का आपस में रिश्ता कैसा है। सर, दोनों गए तो गए, कहाँ होंगे, न रोड एक्सीडेंट, न ट्रेन एक्सीडेंट, न हमारे पास किसी भी अनहोनी की कोई खबर। जिस तरह से वो गाड़ी पार करके भागा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है सर। जय, हम कब तक यहाँ पर रहेंगे, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? मला विचारतेस तू? शौताला विचार। चाहते तो तुम भी थे ना जय। मला पाहिजे होता। हाँ, मला पाहिजे होता। जय, मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज ये सब ठीक कर दो। मुझे रोहन के पास जाना है, मुझे रोहन की बहुत याद आ रही है, मुझे उसके पास जाना है। एक माँ दिव्या अपने बेटे के पास जाने के लिए तड़प रही थी, पर वो जा नहीं सकती थी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या किया था जयदेव और दिव्या ने कि वो अपने बेटे रोहन के पास नहीं जा सकते थे? पुलिस जयदेव और दिव्या की तलाश किसी जुर्म के सिलसिले में नहीं कर रही थी, पुलिस रोहन के माँ बाप को ढूंढ रही थी और उनसे पूछना चाहती थी कि अपने बच्चे के पास होने की बजाय वो अचानक कहाँ लापता हो गए। पुलिस के लिए जयदेव और दिव्या के आपसी रिश्ते के बारे में जानना बेहद जरूरी था। हाँ, जयदेव शादी के बाद अपने माँ बाप से अलग होकर बहुत उदास रहता था, बट अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था वो। इतनी केयर अपनी वाइफ की तो शायद ही आजकल को देखने मिलती है सर। जयदेव अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। वाह यार, तू तो भाभी की बहुत ख्याल रखता है। अरे तू आगे आगे देखना, अभी सब भाई उसके लिए खाना भी बढ़िया बनाता है यार, क्या बात है। दीदी है मेरी, प्यार करता हूँ, कभी सरप्राइज तो कर ही सकता हूँ। दिव्या अपने पति से बहुत प्यार करती थी, ये सबको पता है। बहुत अच्छा कपल था। नहीं सर, वो तो बहुत आइडियल कपल थे, हमेशा इतना खुश रहा करते थे, मैंने देखा है उनको कई बार, ऐसा कुछ नहीं था उन दोनों के बीच। जो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता है वो पत्नी भक्ति हो सकता है ना सर, इसीलिए हम सबको छोड़कर चला गए हैं वो। सर, वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे,
लेकिन एक दिन दिव्या क्या जरूरत है दूसरे बच्चे का, हम अपनी लाइफ में खुश है ना। पर जय आप रोहन के बारे में रोहन... सोचो। हेलो मैम। हेलो। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? फाइन सर। अच्छा ठीक है, मैं तुमको शाम को लेने आता हूं। ठीक है। मैम क्या हुआ, कुछ परेशानी है? अरे कुछ नहीं यार, चलो। थैंक यू। दादाजी मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी आपके साथ यही रहूंगा। अरे पर तू ऐसा कैसा बोलते है, तुझे हरी बाबा के पास जाना ही होगा। मुझे नहीं जाना उनके पास। तुझे आई तुला त्रास देते? आई तो ठीक है, मगर बाबा वो हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते हैं, नहीं तो चुपचाप बैठ जाते जैसे अभी आप बैठे हो। बहुत बोलता है, जब देखो ये ऐसे गेम खेलते रहता है। ऐसे गेम खेलने से भविष्य नहीं बनता। जा शाळेत जा, थोड़ा शीक जा। झाला ना नाराज? अरे बिल्कुल माँ पे गया है, बदतमीज कहीं का। तेरे को 100% यकीन है कि वो यही थे? अरे साहब 100% नहीं, 200% यकीन है यही थे। अब साहब वैसे तो हर दिन कितने पैसेंजर आते हैं मेरे पास, सबका चेहरा याद रहता नहीं है, पर उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, ऑटो साइड में लगा के आराम करने गया और ये लोग आए थे मेरे पास। अरे साहब बोला ना नहीं जाने का मेरे को। चलना मेरे भाई, बहुत जरूरी है यार। अरे आपको मना किया, नहीं जाना है। अबे तेरे को समझ में आ रहा है, लंबा भाड़ा बोल रहा हूँ मैं? अरे लंबा या कुछ है, नहीं जाना है मुझे। अरे अरे मैडम समझाओ, कैको दिमाग की हटा रहे हो साहब। और उसी बीच में मेरा दोस्त राधे आया ऑटो लेके, वो उनके साथ चला गया। राधे का फोन नंबर है? अरे साहब लो ना, 98210 लिखो साहब। जैसे रिस्क से उठाया था। जैसे रिस्क में कहाँ? चेक नाका के पास से साहब। तुमसे बात हुई थी? वैसे तो हम लोग तब तक नहीं बोलते जब तक पैसेंजर बात नहीं करता, लेकिन उस दिन ट्रैफिक बहुत था तो वो जल्दी करने को बोल रहे थे। अरे ये भाई थोड़ा एक्सीलेटर पे जोर दे, जल्दी चल। ट्रैफिक बहुत है साहब, ऐसे में क्या जल्दी करूँ मैं। छे तुम्हें वो जगह याद है जहाँ उनको छोड़ा था? जी साहब। चलो इसको दिखाए क्या? हाँ साहब, ये तो हमारे होटल में है, 303 में। केतन साहब को 303 में ले जाओ। जब से आया है रूम के अंदर ही है, और सिगरेट पीने के लिए नीचे जाया करते थे और रूम के अंदर ही खाना मंगवा देते थे। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? पता नहीं साहब, कल रात को ही खाना दिया था, आज सुबह से दिखाई नहीं दिए। दरवाजा खुलो। ठीक है, चाबी लेके आता हूँ। मनोज सर, इन सबके स्टेटमेंट्स लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। रोहन की गुमशुदगी से शुरू हुआ ये केस, जयदेव और दिव्या के लापता होने से होते हुए अब दिव्या के संगीन मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। जयदेव और दिव्या जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, जिनके प्यार की लोग मिसालें दिया करते थे, आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि अपने बेटे के पास वापस आने की बजाय वो खुद एक होटल में छिप कर रह रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि दिव्या की मौत के बाद जयदेव कहां गायब हो गया था? पुलिस के लिए केस अब और पेचीदा हो गया था। आखिर कहां था जयदेव? क्या उसकी जान भी खतरे में थी? जयदेव को ढूंढ निकालना अब पुलिस के लिए बेहद जरूरी हो गया था। देखिए आपकी बहू की मौत का हमें बहुत अफसोस है, लेकिन मौत के तुरंत बाद से आपका बेटा जयदेव पवार मिसिंग है। तुम्हारा काय मनाया था? मेरे लड़के ने उस औरत को मार दिया। मेरा काय मनाया नहीं, लेकिन शक की सारी सुइयां आपके बेटे की तरफ जाती है। मेरा लड़का किसी को मार नहीं सकता, ये सब उस औरत की वजह से हुआ है। किसी ने मार दिया उसे और सारा शक मेरे लड़के को पड़ा रहा है। जीते जी तो उसने हमें अलग कर दिया, अब मरने के बाद भी हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है वो। आपको कुछ कहना? अब इसे क्या पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना। आप कुछ देर शांत रहिए, बोलिए। नहीं सर, मला कहीं माहिती नहीं है, मुझे पता नहीं ये सब कैसे हुआ। पर सर सुबह से मेरी बाई आंख फड़क रही है, मुझे लगा कुछ ना कुछ जरूर बुरा होगा, अब से रोहन घर पे या साहब इसकी बातें। आपसे कहना कुछ देर शांत रहिए।
आप रोहन के बारे में बता रही थी। हाँ सर, जब से रोहन घर आया है तब से मम्मी पापा के घर नहीं जाऊंगा, ऐसे रट लगा के बैठा है। उसे पूछा तो वो कुछ नहीं बता रहा है। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? साहब माला क्या बटल कि अब वो मम्मी पापा के डर की वजह से घर नहीं जा रहे। वो क्या है ना कि जय इनकी तरह गुस्से वाला है। हाँ गुस्सा करता है, लेकिन उसके भले के लिए। उसके माँ ने शायद उसके मारा पिटा होगा। चलिए आपको घर छोड़ दे। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। अरे सुमित आलस तो। सुमित मुझे तेरी मदद चाहिए। देख मेरे पास दूसरा कोई जगह नहीं है जाने को, मला थोड़े पैसे पाहिजे। मी कशाला करू तुझी मदद? तुम्हारी वजह से आज ये मेरी हालत है। ना तो मेरे पास कोई ढंग का काम धंधा है, ना ही अपना घर है और ना ही पैसे। तो जो तेरे पास नहीं उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ। और भूल गया तू, जब भी तेरे को मदद की जरूरत थी तो मैंने हर बार तेरी मदद की। तुम दोनों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद है। ये बक भाऊ मेरे से बहस मत कर, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हे सुमित बात सुन, तेरे को मदद नहीं करनी थी तो फिर आया क्यों इधर? पहले मना करना चाहिए था ना तेरे को। तेरी हालत देखने आया था। तेरे को ऐसे हालत में देख के मैं कितना खुश हूं ना मैं नहीं बता सकता हूं तेरे। तेरी वहिनी। कौन वहिनी रे? तूने दूसरे जात वाली लड़की से शादी नहीं की होती ना तो बाबा ने तेरे को घर से नहीं निकाला होता। तेरा सारा गुस्सा बाबा ने मुझ पर निकाला और मेरे को भी घर से बाहर निकाल दिया। तेरी वहिनी का ने मर्डर कर दिया। अरे पहले ही मर गई होती ना तो अच्छा होता। ए भाऊ तेरे आवाज से ना मैंने डरने वाला हूं। हाले पर स्वतः ची पैसे पाइजे था। सुमित सुमित मेरी बात सुन। ए सुन सुमित मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं भाई। भाई मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। अरे हट रे भाई, मेरी मदद कर रहा भाई। सुमित 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 मेरी मदद कर दे यार भाई। सुमित बेटा आपके पापा मम्मी आपको मारते थे क्या? बहुत डांटते थे क्या? अच्छा ये बताओ वो दोनों आपस में लड़ते थे क्या? बच्चे को किसी ने डराया धमकाया क्या? नहीं सर, जब से वो यहाँ आया है तब से किसी ने नहीं डराया है। एक मिनट सर। डरने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ है ना। हाँ उसे मिला था। क्यों? उसे पैसों की जरूरत थी इसलिए उसने मिलने बुलाया था। पैसों की जरूरत किस लिए? वो तो नहीं पता सर। जिस जगह पे तू उससे मिला था वो दिखा मैं। चल काबर यहाँ इतेज बैठला होता तो साहब। उसके बाद वो कहाँ गया क्या किया मुझे कुछ नहीं मालूम। आसपास का एरिया अच्छे से चेक करो। हो सर प्लीज मिजा हुआ था। ठीक है जा, लेकिन शहर से बाहर मत जाना। मनोज इस पे भी नजर रखो। ओके सर। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये भुत्ती तो उलझती जा रही है। जयदेव की कोई खबर मिली? सर रेलवे फाटक के मार्केट के आसपास हमारी पूछताछ जारी है, लेकिन अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मनोज जयदेव का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो खुद किसी खतरे में। पहले रोहन का गायब होना, फिर जयदेव और दिव्या का गायब, और अब दिव्या की लाश मिली। इन सारी चीजों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। रोहन का इस तरह से चुप्पी रखना भी अजीब लगता है। सब दिव्या पवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से
दिव्या की मौत गला घोटने से हुई। मौत 21 अप्रैल को दोपहर 1 से 2 के बीच हुई थी। और एक और खास बात, दिव्या प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? लेकिन दिव्या के ब्यूटी पार्लर से हमें पता चला था कि जयदेव नहीं चाहता दिव्या दोबारा प्रेग्नेंट हो। हेलो, अभी आता। बोल जरा, तूने जो मुझे बताया ना, ये इनको बता। अरे वो क्या बताएगा, छोटा बच्चा है, उसकी बातों का क्या भरोसा। घर से शायद झूठ कुछ भी बोल देगा वो। आप जरा चुप रहिए। बेटा एक बात बताओ, मम्मी पापा किस बात पे लड़ते थे? मैं उनका बेटा नहीं हूँ इस बात पे। ऐसा आपके पापा ने आपसे कहा? पहले पापा कहते थे, फिर दोनों लड़ते थे, इसलिए मम्मी भी प्यार नहीं करती थी। मुझे पहले से पता था उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ऐसी जाती वाले लड़के। पवार साहब, बेटा पापा और क्या कहते? हमेशा डांटते रहते थे, तू मेरा खून नहीं इसलिए तेरे कम मार्क्स आते हैं, और दिन भर खेलते रहता है। ठीक, तुम खेलने जाओ। आप लोग जानते हैं कि दिव्या प्रेग्नेंट थी? काय? नहीं, आपको किसने बताया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से मौत के समय दिव्या प्रेग्नेंट थी, उसका किसी से कोई अफेयर वगैरह। सर, दिव्या का दोबारा प्रेग्नेंट होना और जयदेव का रोहन को एक्सेप्ट ना करना, ये दोनों एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कि दिव्या का किसी के साथ कोई अफेयर था और शादी के बाद उसके जिंदगी में वो दोबारा आने की कोशिश। मनोज, लेकिन ये बात तो अब भी समझ में नहीं आ रही कि अगर बच्चा मिल गया था तो उसके बाद वो दोनों क्यों भागे। दिव्या और जयदेव दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स है ना? यस सर। हर नंबर पे फोन करो और पता करो दिव्या के नाम पे कोई और सिम रजिस्टर्ड है क्या। अगर दिव्या का किसी से कोई अफेयर था तो इस बात का पता हमें चलना चाहिए। जयदेव के बारे में कोई खबर मिली? सर, चारों तरफ अलर्ट कर दिया, मिल जाएगा खबर बहुत जल्द। क्या वाकई में रोहन जयदेव का खून नहीं था? कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और अगर रोहन की बात सच थी तो क्या दिव्या का किसी के साथ अफेयर था? इस सच को जानने के लिए पुलिस ने जयदेव और दिव्या से रिलेटेड सभी लोगों से संपर्क किया और उन दोनों के फोन कॉल रिकॉर्ड्स को बारीकी से चेक किया, और इन कॉल रिकॉर्ड्स में मिले एक अननोन नंबर ने इस केस का रुख पूरे तरीके से बदल दिया। सर, दिव्या का दूसरा सिम तो नहीं था, लेकिन उसे घर के लैंडलाइन के डिटेल्स मिले। लैंडलाइन के डिटेल्स से हमें एक नंबर मिला जिसपे कई बार बात हुई थी जिस दिन दिव्या और जयदेव गायब हुए थे। किसका नंबर है? सर, कोई शिवम नायर नाम का शख्स है, उसे हमें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उसका फोन फिलहाल बंद आ रहा है। हमने पता किया तो पता चला कि उस दिन से उसका फोन गायब है जिस दिन से पवार कपिल गायब है। अरे यार, शिवम नायर जब मोबाइल से लास्ट लोकेशन का होता? सर, पवार हंची सोसाइटी। कितने दिन से बंद है ये घर? साहब 8-9 दिन से साहब आए नहीं। ये आया नहीं क्या 8-9 दिन से? नहीं, मतलब 15 या 16 अप्रैल। 16 अप्रैल? सर, 16 अप्रैल को ही तो जयदेव और दिव्या लापता हुए थे। मनोज, सर्च वारंट निकल। ओके सर। सारा घर छान मारो। सर, शिवम की मौत ने अब इस केस को एक दोहरे हत्याकांड में बदल दिया था। आखिर कौन था ये शिवम नायर? इसका जयदेव और दिव्या के साथ क्या रिश्ता था? क्या शिवम का दिव्या के साथ कोई अफेयर था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस को शिवम की जिंदगी को बारीकी से टटोलना बहुत जरूरी था, और जयदेव के पुलिस को अब तक ना मिल पाने की वजह से ये केस उनके लिए एक चुनौती बन गया था। सर, शिवम नायर की बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। मौत 16 अप्रैल को हुई, ठीक उसी दिन जिस दिन दिव्या और जयदेव पवार गायब हुए थे। सर, ऐसा लगता है कि खास को छिपाने की कोशिश नहीं की गई थी सिवाय बॉडी को फ्रिज में डंप करने की। बॉडी को फ्रिज में रखने की वजह से बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई, इसलिए बदबू भी नहीं फैली। और सर, ऐसा लगता है कि किसी हैवी चीज से सर पे वार किया गया होगा और पहले ही वार पे मौत हो गई। इस शिवम नायर के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर, शिवम नायर कुछ करता नहीं था, बेसिकली ही वॉज अनएम्प्लॉयड।
लेकिन फिर भी उसका कोई गलत या खराब रिकॉर्ड नहीं था। कोई चोरी, मारामारी या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ऐसा कुछ भी नहीं था। जब कुछ करता नहीं था तो रोजी रोटी कैसे चलती? सर, वो एक स्पर्म डोनर था। स्पर्म डोनर? जी सर। हाँ, ये शिवम नायर ही है। एक्चुअली ये हमारे यहाँ स्पर्म डोनर है। और इन्हें जानते हैं? अरे, ये तो मिस्टर एंड मिसेस पवार है। एक्चुअली इन दोनों ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का फैसला किया था, तो हमने मिसेस पवार को शिवम का ही स्पर्म डोनेट किया। आपके यहाँ डोनर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रखते? नहीं नहीं सर, हम लोग रखते हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ था, इन दोनों ने हमको रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें उनका नाम और पता बता दो। तो मैंने शिवम को भी पूछ लिया, तो उसे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, तो फिर मैंने उनसे मिला दिया। और कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमारे काम आ सकती है? हाल ही में मिसेस पवार अकेली आई थी और उन्हें वापस सेकंड चाइल्ड चाहिए था, तो उन्होंने डिमांड की थी कि उन्हें शिवम का ही स्पर्म चाहिए और हमने उनको दे दिया। जयदेव और दिव्या के बीच में कैसे संबंध? बहुत ही अच्छे थे सर, काफी हैप्पी कपल था, बहुत प्यार करते थे अपने वाइफ से। मनोज, अब तक एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि जयदेव और दिव्या के बीच में बनती नहीं थी। सब यही कह रहे हैं कि वो एक अच्छा कपल था, सिवाय उनके बेटे रोहन के। हो सकता है शिवम नायर ने रोहन पे हक जताना शुरू कर दिया हो और पवार दंपति को ब्लैकमेल किया हो, और इसी के चलते दोनों पति पत्नी ने मिलके शिवम को मार दिया और खुद भी गायब हो सकता है। और जब जयदेव को दिव्या की दूसरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो उसने गुस्से में आके दिव्या को भी मार दिया। मनोज, इस जयदेव का मिलना बहुत जरूरी है। जहाँ उसने गाड़ी पार्क की थी, जहाँ वो सुमित से मिला था, सारे एरिया में सर्च इंटेंसिफाई कर दो और उसकी फोटो न्यूज़पेपर में भी छाप दो। ओके सर। आप किसी शिवम नायर को जानते हैं? शिवम? कौन शिवम नायर? जय के इतने सारे फ्रेंड थे, हम सबको नाम से थोड़ी जानते थे। ये अंकल भी तुमको प्यार करते थे? ये कौन से अंकल है? इनको कभी आपने अपने घर में नहीं देखा? मैंने इन्हें अपने घर में कभी नहीं देखा। बेटा थोड़ा ध्यान से देखो। अरे पापा, कितनी बार बोलूं, नहीं देखा ना। अंकल मैं खेलने जाऊं? अभी हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, कुछ दिनों के लिए हमें कहीं छिपना होगा। मगर रोहन? अरे तू रोहन की टेंशन मत ले, उसको आई बाबा संभाल लेंगे। इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली थी तुम्हें, जिसने ऐसे वक्त पे भी तुम्हारा साथ दिया, उसे क्यों मार दिया? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उस दिन वो दिव्या, दिव्या जल्दी चलो, पुलिस को हमारी गाड़ी मिल गई। पुलिस कभी यहाँ तक पहुँच सकती है। मगर रोहन? अरे रोहन को मार गोली, उसको आई बाबा संभाल लेंगे, तू चल मेरे साथ। नहीं, मैं रोहन को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू रोहन के चक्कर में फंसाएगी हमें, चल मेरे साथ। मैं रोहन को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन मैं उसका बाप नहीं हूँ। नाजायज? रोहन नाजायज नहीं है। एक और बार अगर तूने रोहन का नाम लिया ना, तो तुझको जान से मार दूंगा। मैं पुलिस को जाके ये सब सच बताऊंगी। बहुत होशियार समझता था ना तू अपने आप को, लेकिन एक बात तू भूल गया, जो उनकी फितरत ही ऐसी होती, करने वाले को भी नहीं बख्शता। अक्सर हम प्यार में अपने आप से कुछ उम्मीदें कर बैठते हैं और ना चाहते हुए भी हम उन सभी उम्मीदों को पूरा करने में लग जाते हैं, भले ही हम उससे खुश ना हों। और कई बार हमारा यही रवैया हमें अपराध करने पर मजबूर कर देता है। जयदेव के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। अपनी खुशी को भूलकर वो दिव्या के लिए रोहन को अपनी जिंदगी में ले तो आया, पर उसे कभी अपना नहीं पाया, और इसी घुटन ने जन्म दिया अपराध बोध को। झूठ की जिंदगी कभी लंबी नहीं होती, और खासकर उस झूठ की जो अपने आप से बोला गया। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।